الله 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 السلام عليكم आली जनाब कदीर खान मोती वाले साहब, मोहतरम शाकिर अदीबी साहब, मोहतरमुल मकाम जाकिर मिर्जा मोती वाले साहब, मैं आप सभी से इल्तिमास करता हूँ अजराहे करम स्टेज पर तशरीफ ले आए हमारे मोअज्ज़ज़ मेहमान अंसारी अताउर रहमान साहब, हमारे सोसाइटी के सदर शेख जैनुल आबिदीन साहब, आप सभी से इल्तिमास है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं सभी हाजरीन से मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं कि हमारा आज का ये प्रोग्राम जिसकी कामयाबी आपके हाथों में है, आपके अख्तियार में है, दौरान तकरीब डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त का खुसूसी तौर से ख्याल रखें। मैं कुतुबुद्दीन शाहिद साहब से भी दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। कुतुबुद्दीन शाहिद साहब रोजनामा इनकलाब के नायब मुदीर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। कागजी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद आज के इस आठवें सालाना जलसे तकसीम इनामात में हम सभी मेहमानान, सभी मोअज़्ज़ज़ीन, सभी हाजरीन और सभी सामईन का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इनेकाद मजलिस उस खल्लाक आज़म के नाम से जिसके इसमें आज़म का विर्द करके सूरज तुलू होता है, आगाज़ मजलिस उस कादिर मुतलक के नाम से जिसकी तहनियत व तकदीस करके तजल्लियाँ अपना सफ़र शुरू करती हैं, मजलिस की इब्तिदा परवरदिगार आलम के नाम से जिसकी कसीदा खानियाँ करके खुशबुएँ बिखर बिखर जाती हैं, मजलिस का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसकी बारगाह आलिया में शाख शजर का हर गुलाब ताज़ा रतबुल लिसान है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे आज के बड़े ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान कैसर खालिद साहब, अभी अभी स्टेज पर तशरीफ़ लाए हैं। मजलिस का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसकी बारगाह आलिया में शाख शजर का हर गुलाब गुलाब ताज़ा रतबुल लिसान है कि तेरे रब का नाम तो बड़ा बरकत वाला है, जो बहुत इज्जत और शान वाला है। आइए आज की इस बामकसद और बावकार मजलिस का आगाज़ उस रब कायनात के कलाम से करें जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ, हाफिज आसिफ हिसामुद्दीन को तशरीफ ला। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء صدق الله العظيم.